हमने समन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है हमने पढ़ा था, या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है हमने पढ़ा था। आपको आपको अगर याद है तो पी एक्स अगर एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है तो वो जो वैल्यू, वो जो वैल्यू जिस पर पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके, और पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो, राइट, ओके। सो ये हो गया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हो गया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप उसको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जैसे कि आप जान देख रहे हो कि ये एक सोल्यूशन है, ओके, दिस इज वन सोल्यूशन, उसका आंसर है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या है, टू है, सो व्हेन द डिग्री इज टू आपको दो सोल्यूशंस मिलेंगे। जब डिग्री दो होगा तो आपको दो सोल्यूशंस मिलेंगे, मतलब दो आंसर्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ओके। अगर मैं, आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी किया है कि टू फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि कौन से वैल्यू ऑफ एक्स पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, ठीक है। कौन से वैल्यू ऑफ एक्स पर ये जो इक्वेशन है उसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो हमने इसको सॉल्व किया तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री, ठीक है, ओके। रूट थ्री क्यों आया, क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर थ्री है, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पर एक वैल्यू हमको इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करने से मिलेगा, दूसरा वैल्यू इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करने पर मिलेगा। सो यू हैव एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स का वैल्यू हो गया यहां पर रूट थ्री और यहां पर माइनस रूट थ्री। सो ये दो वैल्यूज जो हैं इनको क्या कहेंगे हम, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे या रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहेंगे, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि डिग्री टू है इसलिए आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर एक क्यूबिक होता तो आपको तीन सॉल्यूशंस मिलते, अगर बाई क्वाड्रेटिक होता तो चार, और ऐसे जाता जाएगा। तो ये हो गया आपका रूट्स, इसको हम क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और हम इसको डिनोट करेंगे अल्फा और बीटा से। सो एक वैल्यू को हम लेंगे अल्फा, ओके, सो एक रूट को लेंगे हम, एक वैल्यू को हम मानेंगे अल्फा एंड दूसरे को हम मानेंगे बीटा। अब ये अल्फा बीटा देखकर डर मत जाना, बिकॉज ये सब ग्रीक लेटर्स हैं जिनको डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो एक रूट को हम अल्फा मानेंगे और दूसरे रूट को बीटा। दिस इज जस्ट लाइक सेइंग एक्स एंड वाई, जैसे वेरिएबल यूज करते वैसे ही ये एक टर्म है, तो उसको देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं और उसमें से एक को हमने अल्फा माना, दूसरा हमने बीटा माना, ठीक है। सो यहां पर हम सीखेंगे कि सम क्या है, सम ऑफ द रूट्स क्या है। सम ऑफ द रूट्स मतलब इस रूट को आप इससे ऐड करोगे, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, वो हो गया आपका
माइनस बी बाय ए, ये हो गया आपका माइनस बी बाय ए। वो कहां से आया है माइनस बी बाय ए, वो कहां से आया है? ये आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन से आया है, जो अभी हमने देखा था, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो आप इक्वेशन को देखोगे पहले, राइट, और उसमें से बी क्या है और ए क्या है आप समझोगे, और फिर यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको सम ऑफ द रूट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद ही करना है, और कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, बहुत इजी है। सो कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया सम ऑफ द रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो है सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। तो सी क्या है? सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म हो गया है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। हम एक एग्जाम्पल लेके अब इसको करेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू। तो यू विल कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है और कांस्टेंट क्या है वो आप लिखोगे। सो ए का वैल्यू क्या हो गया? थ्री, बी का वैल्यू फाइव एंड सी का वैल्यू माइनस टू हो गया, राइट। अब आप हमें बताएंगे कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब आपने प्रोडक्ट डायरेक्टली फाइंड करने की जरूरत नहीं है, या सॉरी रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है इसमें। ओके, सो रूट्स क्या है? आपने मान लिया कि अल्फा प्लस बीटा है, और उसका आंसर क्या है? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। ठीक है, सो ये हो गया माइनस, बी का वैल्यू क्या है यहां पर? फाइव, एंड ए का वैल्यू हो गया थ्री। तो सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अब आपने रूट्स पता ही नहीं किया, लेकिन फिर भी आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा वो है सी बाय ए। सो सी क्या है यहां पर? माइनस टू, एंड ए क्या है? इट इज थ्री। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।